उच्च न्यायालय जिला न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय या फिर सैन्य न्यायालय द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय रिसेंटली इन द मनीष कुमार राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स रूलिंग रिगार्डिंग द ग्रेट पेड डिस्पैरिटी बिटवीन नेवी आर्टिफिसर्स एंड चीफ पेटी ऑफिसर्स

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालयों को दरकिनार करते हुए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाती है यह yes, सुनिश्चित करता है कि आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कर्मियों को उच्चतर न्यायिक जांच तक पहुंच प्राप्त हो नेक्स्ट क्वेश्चन बिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल ट्वेंटी सिक्सटी सिक्स अमेंडमेंट सेवेंटी सेकेंड अमेंडमेंट एटी सिक्स अमेंडमेंट और 90th अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद इक्कीस ए जोड़ा गया छियासठवा संशोधन बहत्तरवां संशोधन छियासीवां संशोधन या फिर नब्बेवा संशोधन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एटी सिक्स एमेंडमेंट इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छियासीवा संशोधन रिसेंटली इन द डॉक्टर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस द बॉम्बे हाईकोर्ट हेल्ड That the state cannot have policies that adversely affect citizens' pursuit of education, especially for those in employment. The 86th Amendment Act of 2002 added Article 21A to the Constitution. This amendment made education a fundamental right for children aged 6 to 14. It emphasizes the state's obligation to provide free and compulsory education. हाल ही में डॉक्टर बना महाराष्ट्र राज्य मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य ऐसी नीतियां नहीं बना सकता जो नागरिकों की शिक्षा की खोज पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विशेष रूप से नौकरी करने वालों पर छियासी अधिनियम दो हजार दो द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया इस संशोधन ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के

प्रस्तावक की अनुपस्थिति गैर वास्तविक हस्ताक्षर या फिर कोई नामांकन शुल्क नहीं द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नॉन जेन्युन सिग्नेचर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गैर वास्तविक हस्ताक्षर सेक्शन 36 टू सी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 स्पेसिफिकली अलाउस फॉर द रिजेक्शन ऑफ अ नॉमिनेशन इफ द सिग्नेचर्स ऑन द नॉमिनेशन पेपर आर नॉट जेनुन This provision is aimed at preventing fraud in the electoral nomination process. It underscores the importance of authenticity in supporting signatures. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 सी विशेष रूप से नामांकन को अस्वीकार करने की अनुमति देती है यदि नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है इस प्रावधान का उद्देश्य चुनावी नामांकन प्रक्रिया में धोखाधड़ी को रोकना है यह हस्ताक्षरों के समर्थन में प्रामाणिकता के महत्व को रेखांकित करता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल मैंडेट्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6 आर्टिकल 21 ए आर्टिकल 29 आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39 कौन सा अनुच्छेद राज्य को छह वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 21 ए अनुच्छेद 29 Anuchet Pentales, Yafir अनुच्छेद 30 The correct answer is option C, Article 45. correct answer is option C, Anuchet Pentales. Article 45 emphasizes the importance of early childhood education as a fundamental responsibility of the state. It aims to ensure that children receive care and education in their formative years. This provision underscores the role of the state in fostering early development. अनुच्छेद 45 राज्य की मौलिक जिम्मेदारी के रूप में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के महत्व पर बल देता है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को उनके प्रारंभिक वर्षों में देखभाल और शिक्षा मिले यह प्रावधान प्रारंभिक विकास को बढ़ावा देने में राज्य की भूमिका को रेखांकित करता है लास्ट क्वेश्चन द हिंदू सक्सेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स डॉट अप्लाई टू द प्रोपर्टी ऑफ अ पर्सन हु इज मैरिट अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट चाइल्ड मैरिज एक्ट और अधिनियम उन्नीस उस व्यक्ति की संपत्ति पर लागू नहीं होता है जो निम्नलिखित के तहत विवाहित है विशेष विवाह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम बाल विवाह अधिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्पेशल मैरिज एक्ट इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विशेष विवाह अधिनियम प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन governed अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट इज नॉट विवाह अधिनियम के तहत विवाहित व्यक्ति की संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत शासित नहीं होती है नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन अकर्ता कैन एलियनेट द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी फॉर अपाटकाले कुटुम्बर्थे धर्मार्थे और ऑल ऑफ द अबव आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति को निम्नलिखित कारणों से हस्तांतरित कर सकता है अपाटकाले कुटुम्ब अर्थे धर्मार्थे द कमेंट सेक्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा धन्यवाद अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें